हेलो एवरीवन, मैं सर विनीता, योर आर्ट टीचर। बेटा, आज हम लोग गार्डन एरिया में आए हैं इंट्रोडक्शन के लिए। इसीलिए आए हैं कि हम लोग दिन भर बिजी रहते हैं अपने ऑनलाइन स्टडीज़ में, मोबाइल के साथ में, कंप्यूटर के साथ में, लैपटॉप के साथ में, और हम छोटे छोटे आइकन्स को देखते हैं। और हमारी आईज़ को रिलैक्स करने के लिए हमें ग्रीनरी चाहिए होती है। ग्रीनरी से हम लोग काफ़ी रिलैक्स करते हैं। ग्रीन कलर एक कूल कलर है जो हमारे आईज़ को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी बेटर है। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी थोड़ा सा ग्रीनरी में इन्वॉल्व होइए, गार्डन एरिया में जाइए। जब भी गार्डन एरिया में जाएं, अकेले अगर आप जा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो आप लोग मास्क लगा के जाइए। मैं भी मास्क लगा के आई हूँ। तो ग्रीन एरिया में, पार्क में जाने से पहले हमेशा मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। साथ ही हमारा सेकंड मोटो ये भी है कि हमें आज चाहिए जो हम आर्ट करने जा रहे हैं वो हम फेविकोल आर्ट करेंगे। फेविकोल आर्ट करने के साथ में हमें एक लीफ की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें मैं एक प्लांट के लीफ लेना चाहती हूँ। तो मैंने पीपल की ये देखी वेस्ट जो नीचे लीफ गिर गई है, उस लीफ को मैंने चूज़ किया है। पीपल के लीफ ले सकते हैं हम लोग या फिर मनी प्लांट के लीफ ले सकते हैं, दोनों में से हमें एक लीफ लेनी है। हमें अपने फ्लावर्स के अकॉर्डिंग लीफ का सिलेक्शन करना है। आज जो हम आर्ट करेंगे उसमें काफ़ी स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप में मैंने उसे पार्ट में डिवाइड किया है। सारे ही स्टेप अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। हम उन्हें देखिए, सबसे पहले हम फेविकोल को स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करने के बाद कटिंग लीफ का यूज़ करके उसकी कटिंग करेंगे, फिर उसमें पेंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उससे पेंटिंग रेडी करेंगे। तो आप देखिए हम लोग किस तरीके से करते हैं। हेलो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम लोग फेविकोल आर्ट करेंगे। फेविकोल आर्ट करने के लिए हमने अभी गार्डन से क्या जोड़ा था, एक मनी प्लांट के लीफ। मनी प्लांट के लीफ से ही हम शुरुआत करते हैं, ग्रीन से शुरुआत करेंगे, अच्छा होगा, अच्छे से बनाते हैं। मेन हमें जो मटीरियल, बेटा हमें काफ़ी सारा मटीरियल चाहिए। आप स्टैप में लिख लीजिए, मस्ट है फर्स्ट फेविकोल, एसएच फेविकोल चाहिए क्योंकि ये सॉलिड होता है और इसकी लेयर बहुत अच्छे से बनती है। तो हमें एसएच फेविकोल चाहिए होगा। सेकेंडरी इमल्शन कलर आपके पास इजीली मिल जाएंगे घर पे, नहीं हो तो आप देख लीजिए इमल्शन कलर, और इस तरह की प्लेट, साथ में सूजी, हल्दी, ये नेल पेंट रिमूवर एंड सम ईयरबड्स। हम जो फ्लावर बनाएंगे, फ्लावर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको बनाने के लिए हमें ईयरबड्स और इनका यूज़ करना है। आप जैसे हमने नेल पेंट रिमूवर लिया, आप इसकी जगह थिनर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये घर पे इजीली मिल जाता है इसलिए हम लोग नेल पेंट रिमूवर का यूज़ करेंगे। इस तरीके का फोम, कार्डबोर्ड का पीस, ये हमें मेनली रिक्वायरमेंट है। और ब्रशेस, फ्लैट बड़ा ब्रश, स्मॉल ब्रश, सीजर, इस तरीके के लीफ। आप कोई भी लीफ ले सकते हैं, आप चाहें तो इससे रोज़ फ्लावर भी बना सकते हैं, लेकिन हमें बस ये है कि जो भी हम फ्लावर बनाएंगे उसके हमें इसके पेटल्स कट करनी होगी, ठीक है। तो हमें इसलिए सबसे फर्स्ट मैंने आपके मनी प्लांट लिया है जो कि ईजिली बन जाता है इससे फ्लावर, तो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट ली है, क्वार्टर प्लेट ली है, हम बिग भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसके हम पेटल्स बनाते हैं फेविकोल की, वो हम स्मॉल स्मॉल ही बनाएंगे जिससे हमारा फेविकोल वेस्ट बना हो और हमारी पेटल्स सही से बन सके। मैंने वन स्पून लिया है, इस तरीके से मैंने स्पून से फेविकोल इस पर लिया। देखिए आप ये लिया, और अपने फिंगर के टैप से, फ्रंट फिंगर के टैप से इस तरीके से इसको मूव करने, राउंड राउंड आपको लेयर बनानी है इसकी, इस तरीके से बेटा। इसकी लेयर ज़्यादा थिक भी नहीं होगी और ज़्यादा थिन भी नहीं होगी, इस अकॉर्डिंग आप राउंड राउंड इसे घुमाएंगे। और बीच में बिल्कुल ऐसा ना हो कि कहीं आपका ब्लैंक रह जाए, जैसे हम लोग डोसा बनता है बिल्कुल इक्वली उसी फॉर्म में आपको इसे रोटेट करना है। इसलिए जैसे डोसे को हम राउंड लेते हैं, ये देखिए इस लेयर को इस तरीके से हम लोग, मेन चीज है इसकी, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे बहुत पेशेंसली
तरीके से मैंने इसकी लेयर बनाई है। आप देखिए इक्वल फॉर्म में आना चाहिए सारा, ठीक है, इक्वली दिख रहा होगा, कहीं पतला कहीं मोटा नहीं। मेरे कॉर्नर के एजेस थोड़े थिन बनाए हैं मैंने, जिससे वो रिमूव करने में ईजी रहे। हमने ये प्लेट रेडी कर ली है। एटलीस्ट इसे ड्राई होने के लिए 12 आवर्स लगेंगे, तो 12 आवर्स का हम वेट करेंगे। ये देखिए, इसके लिए मैंने पहले से ही एक लेयर बना के रखी है आपके लिए। इसको 12 आवर्स हो चुके हैं ड्राई हुए, अब हम इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए ये देखिए, अब ये ड्राई हो गया, अब मैं इसको रिमूव करूँगी। बहुत इक्वली हम लोग यहाँ से इसे धीरे धीरे पकड़ के रिमूव करेंगे। ये स्ट्रेच होता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ब्रेक ना होने पाए। इस तरीके से आप इसे रिमूव करेंगे धीरे धीरे। पहले कॉर्नर्स रिमूव कर लीजिए, ये देखिए, देख लीजिए पतली सी एक लेयर मेरी बन के आ रही है। इसलिए ये देखिए, ये मैंने इस पे रखा है ब्लैक सरफेस पे, जिससे आपको इजीली दिखे। अब मैंने ये लीफ ली है, इसको हम लोग इस पे ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने से पहले मैं ये पार्ट इसका एक्स्ट्रा कट कर देती हूँ। इस लीफ को हम लोग इस पे रख के ट्रेस कर लेंगे। आप किसी भी लाइट पेंसिल या पेन से इसे ट्रेस कर लेंगे इस तरीके से। कोशिश करिए कि इसमें से मैक्सिमम आपके लीव्स निकल सके। मेरी 1, 2 लीफ निकल रही है मेरी इसमें से इजीली। तो हमें एक पेंटिंग में एटलीस्ट 3-4 फ्लावर चाहिए होते हैं बेटा। 3, 2, 3, ये देखो मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ एडजस्ट करके, तो मेरी 3 लीफ निकल आती हैं। अब हम इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। बाकी जो एरियाज हैं उसे हम, ये जो हमने अभी लीफ बनाई है मनी प्लांट की, उससे हम बनाएंगे फ्लावर्स। बाकी जो एरियाज हैं उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम बनाएंगे लीव्स में। उसे हम किस में काम में लेंगे? लीव्स में। तो अब देखिए, अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ सीजर से। ये मैंने, ये देखिए, ये मैंने इसकी मनी प्लांट शेप को, ये देखिए, ये पेटल्स मेरी 2 कट हो गई हैं। अब हमें फ्लावर बनाने के लिए क्या करना है, इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके इस तरीके का फ्लावर, लिली शेप में हमको फ्लावर बनाना है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे पेस्ट नहीं होगा, ये फेविकोल है लेकिन फिर भी ऐसे पेस्ट नहीं होगा। हल्का सा हम लोग फेविकोल लेंगे फिंगर टिप पे और इस तरीके से उसको अप्लाई करके यहाँ पे प्रेस कर देंगे। ये इस तरीके से हम लोग इसे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 आपके लिए रेडी करी है। कई बार हो सकता है कि बेटा ये ब्रेक हो जाए, जैसे मेरी यहाँ हो गई, टेंशन वाली बात नहीं है। आप फेविकोल पे ही इसको अप्लाई कर पेस्ट कर दीजिए, ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे ये फ्लावर शेप रेडी हो गए हैं। अब हमें सबसे, अब सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमें इसे कलर करना है। कलर करने के लिए हम ग्लास पेंटिंग कलर्स का यूज़ करेंगे, जो मैं शायद आपको मटेरियल में बताना भूल गई हूँ। तो ग्लास पेंटिंग कलर्स आप लोग यूज़ करेंगे। हम इस पर फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो लेयर हैं, आप ये देखिए, ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हैं, और ग्लास पेंटिंग कलर्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट लुक देते हैं। तो और हम फैब्रिक कलर करेंगे तो वो ज़्यादा सॉलिड शेप देंगे, इसलिए हम लोग इस पर ग्लास पेंटिंग कलर को ही अप्लाई करते हैं। तो अभी हम इसका ड्राई होने का वेट कर देंगे, जब तक हम लोग इसके लीव्स कट कर लेते हैं। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आपकी लीव्स निकलेंगी। कोई भी एरिया आपको इसका वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए, ऐसे लंबी लंबी लीव्स निकल जाएंगी आपको। तो हम लोग इसे सेफली रख लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी इसमें से नहीं निकल पाएंगी, तो आप जब आप बनाएंगे तो बेटा एक प्लेट पर नहीं ट्राई करिए, आप 2 प्लेट एटलीस्ट इसके लिए रेडी रखिए। तो 2 प्लेट्स आप रेडी रखेंगे तो आपके पास मटेरियल होगा, जिससे आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। कई बार हो सकता है कि कट लग जाता है, हम लोग रेडी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोगों को इस तरीके से लीव्स रेडी करनी है। अब हम इसे पेंट करेंगे ग्लास पेंटिंग कलर से। ये देखिए, मैंने प्लेट में रेड एंड येलो ग्लास पेंटिंग कलर लिए हैं। तो पहले मैं येलो कलर को इस तरीके से इस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए,
हम येलो कलर को इस पर अप्लाई कर देंगे। पहले हम आउटर लेयर अप्लाई करेंगे, फिर ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम इनर लेयर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको किस तरीके से हम लोग कंटिन्यू ये इस पर इस तरीके से हम लोग कलर कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम लोग इस पर रेड कलर अप्लाई करेंगे। इसका वेट करते हैं ड्राई होने का, तब तक मैं सेकंड ले लेती हूँ। सेकंड वाले को मैं रेड कलर का कोट करती हूँ। ट्रांसपेरेंट लुक देगा, बहुत यूनिक पेंटिंग बनेगी। आप बना के देखेंगे, बहुत अच्छी है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसका, बट इट्स रियली गुड। सो इस तरीके से, अगर आपके पास प्लाई बोर्ड नहीं है तो आप कोई भी हार्ड बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली प्रिपेयर हो जाए। बस हमें इस पर इसको अटैच करना है, इसलिए हमें हार्ड बोर्ड का यूज़ करना होगा। ये देखिए इस तरीके से अभी दोनों ड्राई हो जाएंगे, टाइम लगाएंगे। तो जैसे मैंने अभी ये येलो रेडी किया है, मैंने मुझे इस पर रेड की हल्की शेडिंग देनी, तो मैं इस तरीके से इस पर शेडिंग इफेक्ट भी दे देती हूँ, लेकिन जितना हो कि ड्राई होने के बाद शेडिंग इफेक्ट, तभी इसका मेन रोल नज़र आता है कि आप ड्राई हो जाए हमारी पेंटिंग। ठीक है, ये हम लोग रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से देखो मैंने ये फ्लावर्स रेडी करके रखे हैं, ये हमारा फ्लावर शेप आ जाता है रेडी होके। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ये रेडी होके आ गया है, और ड्राई होके थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, ठीक है, थिक हो जाता है ये। गॉट इट। अब हम इसके अंदर जो बर्ड्स हैं ये हम लोग बनाएंगे इसको ईयरबड। बेटा पोलेंस बनाने के लिए मैंने सूजी ली है थोड़ी सी, और थोड़ी हल्दी ली है, एटलीस्ट हाफ स्पून हाफ टी स्पून के आसपास लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सूजी के अंदर टर्मरिक को ऐड करेंगे और प्रॉपरली मिक्स करेंगे। अब ये आपको पता है कि ड्राई हो गया, ड्राई होने पर ये लग नहीं सकता है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें नेल पेंट रिमूवर को ऐड करना है। और हमने इसको ऐड कर लिया, ये थोड़ी देर में अपना कलर दे देगी। इसमें टर्मरिक येलो कलर के हो जाएंगे, पॉलेंस जैसे आप देखते हैं। ये देखिए थोड़ा ड्राई है, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये आपस में अभी थोड़ी देर बाद ड्राई भी हो जाएगा, उड़ भी जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से ड्राई हो जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है इसके बाद, ड्राई होने पर मैंने पहले से बना के रखा है। आप इस टिप पे फेविकोल लगाएंगे, फेविकोल लगा के और इसको इस तरीके से रोटेट कर लेंगे इसके अंदर, तो ये आपके पोलिंस रेडी हो जाएंगे। ये देखिए आप इन्हें रेडी करके भी रख सकते हैं पहले से, ये ख़राब नहीं होते। आप दो या आपको जितने मन हो बना के रखिए पहले से, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सेफली रखिए। बस थोड़ा ड्राई हो जाता है ये, तो ये मैंने पोलिंस बना के रखे। ठीक है, हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप, जो हमारा ये फ्लावर ड्राई हो गया है तो हमें बैक में इनकी फेविकोल लगाना है। मैंने फेविकोल लगाया और इसे इसके अंदर अटैच कर दिया इस तरीके से, देख रहे हैं आप। अब ये ड्राई हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा के साइड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये साइड में भी जैसे फ्लावर उसके ऊपर बिखरे हुए होते हैं अच्छे लगते हैं इस तरीके से। ये मैंने इसको इस तरीके से लगा के दिखाया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमने जो ये इसमें येलो कलर किया था वो ड्राई हो चुका है, अब इसमें हमें अंदर की तरफ येलो कलर करना है। तो ये मैं अंदर की तरफ से इसमें इस तरीके से कोट कर रही हूँ। येलो और रेड, रेड की मैंने शेडिंग देने के लिए अंदर से इस तरीके से ब्रश से इसको सोख दिए, तो हमारा ये डार्क टोन रेडी हो जाती है और बाहर की तरफ येलो टोन नज़र आती है। इस स्टाइल से आप अपने 4 या 5 फ्लावर्स रेडी करके रखिए। ठीक है, अब हमने पॉलिंस बना लिए, इसके फ्लावर्स बना लिए, अब हमें चाहिए बेस। बेस रेडी करने के लिए हमने एक कार्डबोर्ड लिया है, तो पहले मैं एक मैट लगा लेती हूँ। कार्डबोर्ड लिया है मैंने ये, और अपना एक्रेलिक पेंट लिया है ये,
आपको फ्लैट ब्रश लेना है एक्रेलिक पेंट में डिप करना है और सॉलिड एक्रेलिक पेंट को ही इस तरीके से इस पर अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से आप सॉलिड एक्रेलिक पेंट को इस पर अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सॉलिड रहेगा तो इस पर टेक्सचर्स देने में हमको अच्छा आएगा। देखो आप ब्रश की भी जो टेक्सचर्स है वो भी अपने आप में एक यूनिक इफेक्ट दे रहे हैं। इस तरीके से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं अपने ध्यान रखिएगा जो भी आप फेविकोल या कलर्स कोई भी चीज़ यूज़ करें उसे साथ के साथ उसके कंटेनर्स को बंद करते जाएं क्योंकि गर्मी हो रही है और ये जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। अब हमने इस तरीके का फोम लिया है, आपके पास छोटा फोम हो छोटा ले लीजिए, नहीं हो तो जो हम मम्मी बर्तन मांजते हैं स्क्रब उस स्क्रब का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से रखना है उठाना है, रखना है उठाना है, रखना है उठाना है, रखना है उठाना है, इस तरीके से हमें इसका टेक्सचर देना है और इसे ड्राई करने रखना है। अब ये एटलीस्ट 2 या 3 आवर्स में ड्राई होगा तो हम इसका ड्राई होने का वेट करेंगे। अब मैंने ड्राई होने का वेट मैंने आपको पहले से ही रेडी करके रखा है। ये देखिए हमारा वाइट कलर ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब हमें इस पर टेक्सचर देना है। तो मेरे जो फ्लावर्स हैं वो रेड येलो और ब्लू कलर के हैं इसलिए मैंने इस पर चूज़ करने के लिए पिंक कलर और वाइट कलर लिया है। आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, पिंक के साथ में येलो भी ले सकते हैं। ठीक है हम अब इस पर टेक्सचर देंगे। टेक्सचर देने के लिए हमने पहले सॉलिड कलर को ही ब्रश में लिया और इस तरीके से इस पर पेंट किया। ये देखिए मैंने डार्क कलर लिया, सॉलिड कलर लिया है, इस तरीके से मैंने इसको पूरे कोट को कर दिया। अब मैंने ब्रश वॉश नहीं किया है, डायरेक्ट वाइट में इसको डिप किया है। वाइट कलर में आप बेटा सेपरेट वाइट कलर यूज़ करेंगे। अगेन पहले भी मैंने आपको कहा था कि लाइट कलर के साथ में हमको ब्रश डिप नहीं करना है, मैंने सेपरेटली वाइट कलर लिया है तो इस तरीके का इफेक्ट ये दे रहा है। देखो जब हम साइड में जाएंगे तो हम डार्क कलर करेंगे और मिड में मैंने इसमें लाइट कलर यूज़ किया है। इस तरीके की पैलेट मैंने प्लेट इसकी सॉरी रेडी करके रखी है। ये देखिए आप किसी भी तरीके का टेक्सचर दे सकते हैं। आप चाहें इसमें गोल्डन कलर मिक्स करिए, आप इसमें येलो कलर मिक्स करिए। अब देखिए मैं चाहूँ थोड़ा सा आपको येलो करके दिखाती हूँ। मैंने एक लुक दिया है डिफरेंट थोड़ा सा इसमें देने का। दिख रहा बहुत ब्यूटीफुली ये अपना टोन देती है। जैसे आप इस पर वेट रखेंगे कलर्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग बस फ्लावर के जो आपके फ्लावर्स कलर्स हैं जो भी आप फ्लावर कलर्स लेंगे उससे अपोजिट कलर इसमें लेंगे और इतना अपोजिट भी ना जाए कि बिल्कुल डिफरेंट चला जाए। इस तरीके से हम लोग इसमें थोड़ा सा शेडिंग इफेक्ट देते हैं। अब हमारा ये ड्राई होगा, ड्राई होने का हम वेट करते हैं। अगेन 2-3 आवर्स हमको ड्राई करने का वेट करना होगा, प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए तो हम वेट करेंगे। ये देखिए हमारी ये प्लेट रेडी है। अब हमें इस पर पेस्टिंग स्टार्ट करनी है जो हम फ्लावर्स को और लीफ को यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने ये फ्लावर्स अपने रेडी करके रखे हैं, इसको हमको यूज़ करना है इनके साथ में और लीव्स को भी कलर करके रखा है। ये देखिए ये हमारी लीव्स है। हम लोग क्या करेंगे सिंपल पहले फेविक अपना ये लेंगे और इस पर फेविकोल लगाएंगे। सबसे फर्स्ट काम है कि आप डिसाइड करके रखें कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है और इसको इस तरीके से फ्लफी लुक देना है आपको। ठीक है नीचे से लाइट ऊपर से फ्लफी, जैसे मेरे ही फ्लावर हैं मैंने इस तरीके से इसे इसको फ्लफी लुक दिया है और कॉर्नर एजेस स्पेस पे हम लोग फेविकोल लेके इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए मतलब हमारा थोड़ा सा हैवी लुक आना चाहिए, रिच भरी भरी लगनी चाहिए पैलेट प्लेट।
फेविकोल इसी तरीके से लगाएंगे आप और इस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे। अब ग्रीन लीव्स के टर्न आता है, लीव्स भी मैंने इस तरीके से लगा के यहाँ पे फ्लैट नहीं करना है हमें, थोड़ा 3D लुक देना है इसे। तो आप हल्का हल्का ही फेविकोल अप्लाई करें और उसके ऊपर यूज़ करें। ये देखिए साइड की जो कटिंग्स थी वो भी मैंने इसमें यूज़ करी है कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए और आपस में कनेक्टेड हो। पेस्टिंग ऐसे करनी है कि आपस में ये कनेक्टेड रहे। आप चाहें तो लंबी लीव्स भी ले सकते हैं इसके अंदर लगाते हुए, वो भी अच्छी लगती है थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए। ये देखिए ये लीफ है, मैं इसको इस तरीके से भी लगा सकती हूँ। अभी ये प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ है, जब ड्राई हो जाएगी तो ये और ब्यूटीफुल लगेगी। ये करके हमारी एक फेविकोल आर्ट रेडी हो जाता है। आप इसे फ्रेमिंग करवाइए, बिना फ्रेमिंग के इसमें लुक नहीं आएगा जब तक ये कॉर्नर्स इसके ब्लैक या स्टील ग्रे कलर से रेडी नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से इसे रेडी करिए और ब्यूटीफुल पेंटिंग को अपने घर में सजाइए और सुंदर बनाइए। थैंक यू।